बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? होपफुली खैरियत से होंगे। जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी। मैंने ऑयल रख लिया, अब इसमें प्याज ऐड कर दिया। इस प्याज को हम फ्राई करेंगे। ये देखें, हमारी प्याज ब्राउन हो चुके हैं, तो अब हम इसमें मटर ऐड करते हैं। मटर मैंने छोटा लिया, बिकॉज इसमें अब दही भी ऐड करना है तो वो ज़्यादा खट्टा ना हो जाए, इस वजह से मैंने एक छोटा टमाटर लिया। और अब हमने इसमें रेड मिर्चें ऐड कर दी हैं। इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने धनिया पाउडर ऐड किया, खुश्क धनिया पाउडर एक चम्मच वो ऐड किया। अब हम इसमें वो ग्रीन चिली पेस्ट, अदरक लहसुन पेस्ट बनाया था मैंने मिक्स, वो ऐड कर दिया। अच्छे से सबको मिक्स कर लेना है हमने। वो मिर्चें मुझे कम लगी थी, एक चम्मच मैंने और ऐड कर दिए। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं चिकन ऐड किया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम और इसको फ्राई करते हैं थोड़ी देर के लिए। आप जो होते हैं दूसरा एज अ टेस्ट ले सकते हैं। आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा मिर्चें ऐड कर सकते हैं, कम स्पाइसी तो कम। नमक ऐड कर दिया हमने एक चम्मच। अब फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमने। ये अब छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए हम। ये मैंने इसमें दही ऐड किया था, वो स्किप हो गया था, मैंने सोचा आपको बता दूं। ये मैंने पानी रख दिया चावल बॉईल करने के लिए। नमक ऐड किया इसमें, कड़ी पत्ता, दालचीनी के टुकड़े लिए हैं वो ऐड कर दिए मैंने। मैं ज़ीरा भी ज़रूर ऐड करती हूँ, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है चावलों में। ये देखें, चावल ऐड कर दिए और ज़ीरा भी मैंने ऐड किया। तो इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको भी बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखें, हम आते अपने सालन की तरफ। ऑलमोस्ट हमारा सालन रेडी है बिल्कुल, तो इसका फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। ये बिल्कुल तैयार है, इसका फ्लेम ऑफ करके हम चावलों की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, इसको हम हिला लेते हैं अच्छे से। हमें बाज़ लोग कहते हैं कि ना चावल वो ना बिरयानी बनाए तो वो ढल जाते हैं। आपने इधर ही थोड़ा सा करना होता है कि आपने ज़्यादा पकाना नहीं होता, इसको बस ठीक रखना होता है। कनी ये देखें, इस शेप में आप रखेंगे तो इस शेप में तो फिर आपके चावल जो है ना वो ज़्यादा नहीं। तो अब हम तेल लगा लेते हैं। मैंने चावल ऐड कर दिए हैं इसमें, अब लेमन ऊपर से गया और साथ मैंने पुदीना और लिया था धनिया वो ऐड करेंगे लेमन ऐड करने के बाद, और फिर इसको दम पे लगा देंगे। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कैसे लगती है आपको मेरी रेसिपी। और मैंने फूड कलर ऐड कर दिया, ये आप सबका प्यार होता है, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये देखें, धनिया और पुदीना ऐड कर दिया मैंने। अब इसको हम कवर कर देते हैं और इसमें कोई कागज़ अटका देते हैं, भाप बनी निकल। ये देखें जी जनाब, हमारी बिरयानी रेडी है बिल्कुल। अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट। ये देखें माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलर आया और टेस्ट में भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। मैं बहुत इजी वे में बताती हूँ कि सबको समझ भी आ जाए और सब लोग ज़रूर ट्राई करें, कोई मुश्किल नहीं करती जी। तो हम इसको कर लेते हैं डिश आउट जनाब जी। तो हमने कर लिया इसको डिश आउट। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। न्यू वीडियो आने तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।